गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस पी जी टी एजुकेशन एग्जाम टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन इस क्लास में हम लोग पी जी टी एजुकेशन टू थाउजेंड सिक्सटीन और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आए हुए पेपर्स का कम्पेरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं अब तक हम लोग ने चा चार क्लासेज में जो है टोटल नाइन्टी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं आज इसका पाँचवा पार्ट है इसमें हम लोग नाइन्टी फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे ये देखेंगे कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन हर साल जो है पी में पूछे जाते हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में और टू थाउजेंड सिक्सटीन में कौन से कॉमन क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो पहला क्वेश्चन है आज का वेयर इज़ अरबुंदो आश्रम सिचुएटेड तो ये पौंडीचेरी में है रविन्द्र टैगोर स्कूल ऑफ शांति निकेतन अप इन मैनी रिस्पेक्ट द चीफ प्रिंसिपल ऑफ तो कौन से प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है इनका स्कूल नेचुरलिज्म पर विच ऑफ़ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ टीचिंग वॉज लीस्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग गुरुकुल पीरियड तो लेक्चर्स भी होते थे डिस्कशन भी होता था रेसिटेशन भी होता था गुरुकुल में लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन बहुत बेस्ट होता था इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं क्योंकि पी जी टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो है यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर इन सोशल चेंजेस तो सोशल चेंज का ग्रेट बैरियर कौन सा है रिलीजन है ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाइंड दन आउट तो कौन सा ऑड है इसमें हल पैबलाव और स्किनर तो इसमें बंडूरा जो है सबसे ऑड है वो इस वजह से है कि जो है अगर हम देखें तो सब ने जो है किसी न किसी एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन बंडूरा ने जो है ये चाइल्ड पर चाइल्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड था तो डेवलपमेंट थ्योरी की नहीं ने बात करी थी कॉगनेटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो ये सबसे अलग है नेक्स्ट है असिग्निफिकेंट को रिलेशन बिटवीन टू वेरीबल एक्स एंड वाई इंडिकेट्स दैट अगर एक्स एंड वाई में जो है सिग्निफिकेंट को रिलेशन है तो क्या है एक्स एंड वाई वेरी टूकेदर एक साथ दोनों वेरी करेंगे एक्स और वाई तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपका इसी फॉर्म में फिर से रिपीट हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तो यानी टू थाउजेंड सिक्सटीन में भी यही क्वेश्चन आया था और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी आया यही क्वेश्चन नेक्स्ट so, है द वर्ड्र चिल्ड्रेन हाउस इज रिलेटेड टू तो चिल्ड्रेन हाउस किससे रिलेटेड है मैडम मॉन्टेसरी से द टर्म किंडर गार्डन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ इच पर्सन तो किंडा गार्डन टर्म किससे एसोसिएटेड है यह है फ्रोबेल से अकॉर्डिंग टू प्रैगनेटिज डिसिप्लिन शुड बी तो प्रेगनेटिज्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या है सेल्फ डिसिप्लिन पर बेस्ड है विद टाइप ऑफ रियलिस एरएस एम वॉज तो एर एस थे हु इज़ दी राइटर ऑफ द बुक नेम्ड एज दी स्कूल एंड सोसाइटी तो स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी ने लिखी थी हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरिज्म तो वे इन्वायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइडर फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ हु स्टेटेड द अबाउ स्टेटमेंट तो ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का दिया हुआ है हु हैज़ गिविन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉगनेटिव डेवलपमेंट तो हमको पता है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट किसने दिया था ये दिया था पी एच ए ने तो ए ऑप्शन चाहिए इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं कि टू का क्वेश्चन है और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी इसको पूछा गया है पीजीटी एजुकेशन में नेक्स्ट है फॉर ग्रुप डेटा विच इज़ द शॉर्टेस्ट मेथड फार्मूला फॉर मीन कैलकुलेशन तो मीन कैलकुलेशन के लिए शॉर्टेस्ट मेथड क्या है एम इक्वल्स टू ए एम प्लस विद इन ब्रैकेट्स सबमिशन एफ डी अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज इन टू तो ये शॉर्टकट मेथड है मीन निकालने का नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ आइटम एनालिसिस टेक्निक इज़ सेलेक्शन ऑफ गुड आइटम रिजेक्शन बैड आइटम रिजेक्टिंग डिसाइडिंग डिस्क्रिमिनेटिंग पावर तो ये सभी हैं डी ऑप्शन सही है रैंक डिफरेंस को रिलेशन इज इक्वल टू दो रैंक डिफरेंस का जो फॉर्मूला क्या है वन माइनस सिक्स समिशन डी स्क्वायर अपॉन एन विद इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस वन तो ये डी ऑप्शन सही है, है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल तो स्कूल का फॉर्मल फंक्शन कौन सा नहीं है टू गाइड द चिल्ड्रन फॉर होम एडजस्टमेंट तो सी ऑप्शन जो है ये सही है नेक्स्ट है द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरविंदो इज तो क्या है अरविंदो के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन टू इंकरेज द चाइल्ड टू एक्सपैंड इन अकॉर्डेंस विद हिज़ ओन नेचर तो डी ऑप्शन सही है द मोस्ट डोमिनेंट कॉन्स्ट इन सोशोलॉजिकल एंड एजुकेशनल चेंज ऑफ हिंदू सोसाइटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम इसका ऑप्शन सही है एजुकेशन एम्फाइजिंग द आइडिया ऑफ द वनस ऑफ मैन काइंड इज नोन एज एजुकेशनल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग तो आइडिया ऑफ वनस ऑफ मैन काइंड एजुकेशनल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट है फिलासफी एक्ट्स टू एजुकेशन एज अ गाइड तो फिलासफी जो है एजुकेशन के लिए गाइड की तरह काम करती है एन आर्डेंट एन प्रोटो प्रोटेगोनिस्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन वॉज महात्मा गांधी इसके ऑप्शन सही है तो आज हम यहीं तक रखते हैं देखते हैं कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन थे कितने आज हमने पॉइंट आउट करें हैं तो आज जो हमको मिले हैं नाइन्टी थ्री नाइन्टी सिक्स पर और ये हंड्रेड एंड फोर्थ यानी थ्री क्वेश्चन नाइन्टी वन से हमने हंड्रेड एंड थर्टीन तक किया है तो इसका मतलब ट्वेंटी थ्री में थ्री क्वेश्चन हमको रिपीटेड मिले हैं जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी पूछे गए थे तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको समअप कर लेंगे पूरा थैंक यू